हिंद साथियों, आपका लवली जी की ट्रिक में फिर से स्वागत है। जी दोस्तों, मैंने टॉपिक शुरू किया था राजस्थान के त्योहार, जिसमें आपको पहला पार्ट में दे चुका हूं। आज महत्वपूर्ण होलियां पढ़ेंगे। कौन सी होलियां हैं वो एग्जाम में पूछी जाती है, सारी की सारी इंपोर्टेंट जो आज है अपने कर लेंगे, ट्रिक के साथ याद करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, आपको क्लास देख रहे हो तो इसी का मतलब है कि आपको अभी याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत कर रहा हूं राजस्थान की होलियां। होलियां का लड़ो याद है, भूल गया, याद है लू जी, शाबाश, याद है तुम। पहली होली ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, जो कपड़ा फाड़ होली। कौन सी? कपड़ा फाड़ होली कहां की प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना, पुष्कर अजमेर की प्रसिद्ध है। कपड़ा फाड़ होली पुष्कर अजमेर की है, तो ध्यान रखना, पुष्कर अजमेर के अंदर बाहर से अंग्रेज आवर अंग्रेजन आवर सुना हुआ है ये सॉन्ग, उसमें आते हैं तो छोटे छोटे कपड़े पहने होते हैं, होली खेलते हैं। तो कपड़ा फाड़ होली कहाँ की है? पुष्कर की है। पुष्कर कहाँ पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। फिर है अंगारों की होली। कौन सी? अंगारों की होली। अब मानो अंगारे को किसी के ऊपर रख दे तो वो फट जाता है, जैसे कोई काकड़िया फटा है धूप के अंदर, काकड़िया दिख रहा है, हाँ, काकड़िया धूप के अंदर फटते हैं, वैसे यही है अंगारों की होली। कहाँ की प्रसिद्ध है? केकड़ी अजमेर की। कहाँ की केकड़ी? कहाँ पड़ता है दोस्तों? अजमेर में पड़ता है। एक तो केकड़ी अजमेर की है, दूसरी लाल सोट डोसा की भी प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, लाल सोट डोसा की भी प्रसिद्ध है। नंबर तीन, देवर भाभी की होली कहाँ की है? ध्यान रखना दोस्तों, ब्यावर अजमेर की है। देवर भाभी कब मनते हैं? जब ब्याह हुआ है दीदी, देवर भाभी कब मने? ब्याह हुआ दीदी, तो ब्याह से ब्यावर याद हुआ, ब्याह से ब्याह हुआ दीदी, तो देवर भाभी मने याद हुए को नहीं हो? ये ठीक है, याद हो दोस्तों। नंबर चार, उसके बाद है कोड़ा मार होली भिनाए अजमेर की है। कहाँ की है? भिनाए अजमेर की है। सर जी, अजमेर में तो बहुत होली है, सारी सारी बैठे है। फिर है लठ मार होली महावीर जी करौली की प्रसिद्ध है। उसके बाद गुरुजी गोबर के कंडों की होली आ किसी होली है? आ तो आप खेलना भाई गुरु जी, हाँ, गोबर वाली, गोबर तो गलिया में हो, कट्टा गोबर तो गलिया में हो, गलिया कोट याद हुआ, गोबर तो गलिया में हो सर जी, गलिया में हो किंग हो डांगर में हो, डांगर से डूंगर पूरी याद हुआ, डूंगर पूरी याद हुआ, और बताओ कितो सरल याद करवाऊंगा। बिंगा बाद गोबर के कंडों की होली होगी। उसके बाद आ जाओ नंबर सात, आवा का नहान होली ये आपकी है सांगोद कोटा की प्रसिद्ध है। ठीक है गुरुजी। अब आठ नंबर आपको याद रखनी है, कौन सी? भाटा मार होली। जब भाटो मगरा में पड़ा नहीं आवाज आ आहोर कहाँ पड़ता है? जालौर में पड़ता है। याद भी कुछ नहीं, वापिस देखो, आठ लिखा दी मैं थाने, इंपोर्टेंट है। पहली कपड़ा फाड़ होली, कपड़ा तो अंग्रेज आवा खटा हुआ पुष्कर मार, अंग्रेज आवर है अंग्रेज नावा वाला गाना सोना होगा, ठीक है, नहीं सुन रहे तो नचना गणी उसकी, कपड़ा फाड़ होली याद होगी, अंगारा बताया
कांगारा ककड़ी भरगा ककड़ी फट जाती है, ककड़ी केकड़ी अजमेर लाल सोट डोसा, अंगारे लाल होते हैं, अंगारे लाल होते हैं तो लाल सोट डोसा याद रखना। देवर भाभी तो सब्जी जब ब्याह हुआ जिद बने, हाँ ब्याह और अजमेर की प्रसिद्ध है। कोड़ा मार होली भिनाए अजमेर की है, कोड़ा मार होली कहाँ की है, भिनाए अजमेर की है। लट तो वो महावीर का पड़ा, महावीर जी करोली होगी। गोबर तो सर जी गलिया में है, गलिया को टकिंग और डांगरा को तो डूंगरपुर। उसके बाद आवा का नहान होली सांगोद कोटा का है, भाटा मार होली भाटा मगरों में पड़ता है तो आहोर की आवाज आती है, आ की आवाज आती है, आहोर जालोर हुआ हुआ। अब देखिए कुछ और वो अपन देखते हैं, अभी उतार लेंगे, उतार लेंगे एक दो बारी और देख लीजिए वीडियो ना के पीछे करके फटाफट याद हो जी, कोई बात को नहीं। आठ हो गई, नौ नंबर देखो, दो दही की होली। नेक्स्ट लिखो दूध दही की होली, दूध दही की होली, दूध दही की होली, दूध दही की होली, दूध दही से पूजा करते हैं नाथ लोग, तो नाथ द्वारा रासमंद की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा रासमंद की प्रसिद्ध है। दोस्तों ध्यान रखना, दूध दही के बाद आपको याद रखनी है बादशाह की होली। कौन सी? बादशाह की होली। बादशाह की होली पूछे तो ये भी दोस्तों नाथ द्वारा रासमंद की है, नाथ द्वारा रासमंद की है। दोस्तों ध्यान रखना, नाथ लोग होते हैं बिल्कुल बादशाह होते हैं, कोई भी टेंशन नहीं लेनी, कोई भी टेंशन नहीं लेनी। ना देनी चंगी गाड़ी हो जी गया बठे घुमा दी गाड़ी ने, और आपको बढ़िया टाइम पास करें। उसके बाद बुधवास हो गए। उसके बाद नंबर 11, देश की मार होली, देश की मार होली। सर जी आ किसी होली है, और सिर में देश की मार है। अरे देश की मार था तो सिर फाट जाता, अपने ओड़ियां खत्म हो जाती, ऐसा नहीं है। देश की मार होली है बीकानेर की है, कहां की है? बीकानेर की है, ध्यान रखना। नंबर 12, रोने बिलखने की होली, रोने बिलखने की होली पूछे तो मंडोर जोधपुर की है, कहां की है? मंडोर जोधपुर की है, मंडोर जोधपुर की है, मंडोर जोधपुर की है। उसके बाद गिल्ली होली पूछे तो कौन सी रहेगी? गिल्ली होली, गिल्ली होली पूछे तो करौली की है। कौन सी है? करौली की है। और किसी रहेगी? 13 होगी, दूध दही की होली ना द्वारा, बादशाह की होली ना द्वारा, देश की मार होली बीकानेर, रोने बिलखने की होली मंडोर जोधपुर, गिल्ली होली होगी करौली की, पत्थर मार होली बाटो मारियो अलग हो, पत्थर मार होली अलग है, ध्यान रखना पत्थर मार होली है बाड़मेर की। बाड़मेर से ध्यान करना, बाड़े को बाड़ा क्या होता है? भेड़े बकरी रोड़ी जाती है वो बाड़ा होता है, चलते ही बाड़ा गए भाटो मार देगा तो पत्थर मार भाटो को मारो, भाटो मार अलग है, पत्थर मारते हैं ध्यान रखना, उठाया पत्थर मारा भाटा, भाटा नहीं मारा ध्यान रखना, पत्थर मारा, क्या मारा? पत्थर मारा। उसके बाद हाँ भाटो को ध्यान रखना था ना, भाटो पड़े पड़ा मगरा में, भाटो पड़े हो मगरा में, तो आवाज आई आ आहोर जालोर, ध्यान रखना पत्थर पड़ता है बाड़े में, तो बाड़ में क्या हुआ? बाड़ में। ठीक है दोस्तों, ए ही करने वास्ते इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट होलियां याद कर लिया सारी की सारी। पहली किसी दी सही में याद है कि ना? गुरु जी माने तो कौन याद। कपड़ा फाड़ होली पागल, कपड़ा फाड़ होली कहां की? पुष्कर अजमेर की। ठीक है दूसरी कौन था? वाह शाबाश, दूसरी अट्ठे भी कौन लिख रही आपने जी की थाने ठा लाग जे, तो दूसरी अंगारों की होली फटी थी ककड़ी जिसे, तो केकड़ी अजमेर लाल सोट डोसा। तीसरी जो मैंने यहां लिखी थी आपको याद रखना था क्या? ब्याह हुआ जब देवर भाभी मनाए, इस तरह फटाफट ट्रिक से याद करना। इसमें भी देख लो क्या ट्रिक है कि दूध दही, दूध दही तो नाथ लोग शिवलिंग पर पूजा करते हैं, दूध दही वहां चढ़ाते हैं, दूध दही के बाद बादशाह भी यही होते हैं नाथ लोग, ना कोई लेना ना कोई देना, जाके आराम गाड़ी हुआ
सुबह गया सामना अब आया खानो खायो नो टेंशन। देश की मातने बीकानेर वाले रोने बिखने वाले मंडोर जोधपुर तो रावण का ससुराल था मंदोदरी यहाँ की थी ध्यान रखना। गिली होली तो करोली है गिली होली तो करोली है पत्थर मार होली पूछी तो बाड़मेर है। दोस्तों ये थी इंपोर्टेंट होलियां। आगे वाला अपना टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर हाँ वीडियो पसंद आने लगी तो चैनल में सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को आगे से आगे दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।